आपने सब कुछ बोला, आपका हम बहुत ही शुक्रगुजार और ग्रेटफुल टू यू, बट यहाँ पर अभी कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी भी अनफोल्डेड है। जैसे कि यहाँ पर अभी कुछ साइंटिफिक प्रूव्स हुए हैं जिसमें बताया जाता है कि यहाँ पर अगर कोई वैक्सीन लेता है 2 साल के बाद वो मर जाएगा, ऐसे कहीं एक क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं अभी, तो कैसे हम कैसे आप इनको टैकल करेंगे सर, क्या बताएंगे इसके लिए आप? मैंने इसका जिक्र किया अभी, मैंने जो बता दिया कि वैक्सीन से जुड़े हुए जो भी खदशात हैं, जो भी रिलक्टेंसी है, जो भी हेजिटेंसी है, वो बिल्कुल गलत है, वो बेबुनियाद है। इसके कैंपेन के अगेंस्ट मीडिया के हवाले से, व्हाट्सएप के हवाले से, फेसबुक, सोशल साइट्स, जो भी ऐसे वीडियोस या ऐसे मैसेजेस सर्कुलेट करते हैं, वो इंसानियत के दुश्मन हैं, वो गलत कहते हैं, वो गलत प्रोपेगेंडा करते हैं। इस चीज़ की कोई स्टैटिस्टिकल ना एविडेंस है, ना इसका कोई साइंटिफिक बेसिस है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। मेरी गुजारिश फिर से अपने भाई बहनों से है कि वैक्सीन को ले लें, वैक्सीन को अपनाएं, दूसरों को तलकीन करें, दूसरों को वैक्सीनेशन सेंटर्स पे ले जाएं, वैक्सीनेट हो जाएं, इम्यूनाइज हो जाएं, और इसी में हमारी बका है। डॉक्टर साहब, प्रेगनेंसी के बारे में क्या कहेंगे? जो लेडीज़ प्रेगनेंट होती हैं तो काफ़ी सारे रूमर्स ऐसे हैं कि वो नहीं कर सकते वैक्सीनेशन, क्या कहेंगे? प्रेगनेंसी ही नहीं बल्कि जो भी को मॉर्बिडिटीज़ हैं, कैंसर हो, हाइपरटेंशन हो, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो, क्रॉनिक लिवर फेलियर हो, स्ट्रोक्स में मुबतला हुए हो, हार्ट अटैक में मुबतला हुए हो, या इससे ऐसे ही और जुड़े हुए तकालीफ हों, प्रेगनेंसी हो, लैक्टेशनल मदर्स हों, इन सारे लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि वैक्सीन इन सब के लिए ज़रूरी है, मां सिवाय उनके, जिनके पास किसी भी दवाई की हिस्ट्री ऑफ एलर्जी है, किसी वैक्सीन के खिलाफ हिस्ट्री ऑफ एलर्जी है। कुछ लोग जो दवाइयां लेते हैं, सल्फाज, एंटीबायोटिक्स, इवन परसमाल के साथ भी एलर्जी हो सकती है। मैंने ऐसे कुछ अशखास को मरते हुए देखता है सिर्फ परसमाल लेते हुए। डिक्लोफेनेक एक इंजेक्शन है जिसको आम लफ्जों में जैसे आप वोवरान के नाम से जानते हैं, इससे भी अक्सर खतरनाक एलर्जी हो सकती है, इससे भी मर सकता है इंसान। वैक्सीन से भी एलर्जी हो सकती है। अभी तक जो एदाद शुमार हैं उनसे अभी तक कोई जानलेवा सूरत हाल सामने नहीं आई है। मैं फिर गुजारिश से यही है कि कोमोबिडिटीज़ के होते हुए जिस शख्स के पास वैक्सीन या किसी और दवाई के साथ एलर्जी है, उसको डॉक्टर साहब के पास जाके उसकी एंटीबॉडीज़ की लेवल चेक करा के उसको ये देखे कि कहीं उसका इन्फेक्शन हुआ तो नहीं है पहले, वो हमें एंटीबॉडीज़ की लेवल से पता चल सकता है, वो देख के उसको वैक्सीनेशन की एडवाइस दे सकते हैं। बेशक उसमें हम एडवाइस डिले कर सकते हैं, दूरी कर सकते हैं, प्रेगनेंसी के ओवर होने के बाद वैक्सीनेशन करा सकते हैं, अगर उसका जो कंसर्न डॉक्टर वो एडवाइस ऐसा ले। जिसके जो माहिर डॉक्टर साहब हैं उनसे बाज़ाब्ता हमें मशवरा करने की ज़रूरत है, आम लफ्ज़ों में अफवाहों पे भरोसा नहीं करना। डॉक्टर साहब, लगातार केसेस कम होते जा रहे हैं, यहाँ से लॉकडाउन भी, आपको क्या लग रहा है कि जो लॉकडाउन है इसमें ईज होनी चाहिए? मैंने इस बात का फिर से जिक्र किया अभी, जैसे मैं बोल रहा था कि हमने फर्स्ट वेव को ही नहीं काबू किया बल्कि सेकेंड वेव को भी हमने काफ़ी हद तक काबू किया हुआ। आजकल के जो अदाद शुमार है, मैं शेर कश्मीर इंशरा मेडिकल साइंस के हवाले से कहूँगा, हमने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर सर के हिदायत पे लास्ट ईयर 300 बेड से लेके आज की बार 500 बेड्स तक का इंतज़ाम करके रखा हुआ है, मगर मैक्सिमम पीक पे हमारे पास 296 ही लोग एक स्टेज पे एट अ टाइम एडमिटेड है हमारे में कोरोना तकलीफ में मुबलस, मगर इस वक्त हमारे पास जो है फिगर्स है वो आज के डेट में, आज मॉर्निंग में 232 है। इट स्ट्रेट वे कन्वेज टू यू, मैं डे टू डे फिगर्स के अगर आपको बता दूं कि ये कॉन्स्टेंटली जो एदाद शुमार है डिप होते जा रहे हैं, एक प्लेटो की लेवल पे हम पहुंच गए और मज़ीद इसमें जो गुंजाइश है फर्दर डिप होने की। इसी के हवाले से, इसी बुनियाद पे, इसी एदाद शुमार के हवाले से मैंने ये बता दिया है कि ये जो कोरोना पेंडेमिक की दूसरी लहर में हमने इसको भी काबू करके रखा हुआ है, इस वक्त सिचुएशन बहुत हद तक बेहतर है, बट एहतियात बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें गार्ड जो है लोअर करना है,
आज भी एहतियात अपनानी है, आज भी मास्क SOPs, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, एनवायरमेंटल हाइजीनिंग एंड ऑल दिस थिंग्स नीड टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। इसमें कोई कम नहीं करना। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल है चाहूंगा आपसे। डॉक्टर साहब जैसे आपने कहा कि लॉकडाउन इज नॉट द अल्टीमेट सॉल्यूशन, 29 अप्रैल को जब यहां पर लॉकडाउन लगाया गया, क्या आपको लगता है आपका मेडिकल पर्सपेक्टिव यहां पर केसेस को कंटेन करने में जो पिछले एक महीने से ज्यादा अभी भी चल रहा है लॉकडाउन, क्या वो फायदेमंद साबित हुआ? मैं रिपीटेडली ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से और मेडिकल फ्रेटर्निटी की तरफ से जो भी गाइडलाइंस या जो भी एहतियाती हिदायत जारी किए जाते हैं जिनमें लॉकडाउन भी शामिल है, इससे ही तो काफ़ी हद तक हम इस चीज़ को कंटेन कर पाए। लॉकडाउन किसी स्टेज पे बहुत ज़रूरी होता है, इसके बिना इसको कंटेन करना इतना ही नामुमकिन है। लॉकडाउन की अपनी जस्टिफिकेशन है और लॉकडाउन की वजह से ही हम इसको बहुत हद तक कंटेन कर पाए हैं। मेडिकल अमले की कोशिशों से, इनकी कोशिश से, गवर्नमेंट और इंतज़ामिया और इससे जुड़े हुए हर एक शख्स की कोशिश की वजह से ही ये चीज़ जो हम काबू में कर रहे हैं। लॉकडाउन की अपनी अहमियत है, मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ, मगर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि लॉकडाउन अल्टीमेट चीज़ नहीं है। अल्टीमेट चीज़ अगर है वो जो है वैक्सीन है। अगर हमें लॉकडाउन से बचना है, मैं फिर से रिपीटेडली ये मैसेज देना चाहता हूँ, अगर हमें लॉकडाउन से बचना है, अगर हमें इकोनॉमी अपनी रिस्टोर करनी है, अगर हमें अपनी एजुकेशन रिस्टोर करनी है, अगर हमें अपने बच्चों का मुस्तकबिल ढूंढना है, अगर हमें अपने नौजवानों का मुस्तकबिल रोज़ी ढूंढना है, अगर उनके जॉब्स ढूंढने हैं, अगर हमें ज़िंदा रहना है, अगर इंसानियत को फिर से इस धरती पर रहना है, हमें इन वैक्सीनेशंस के जो भी स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम्स हैं इनको अमलन तौर इस्तेमाल करके इस पर ज़रूरी अमल पैरा होना चाहिए। इस बीच ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस और एक चीज नमूदार हुई अभी, जैसे अभी हम कोविड से ही अभी जूझ रहे हैं, तो इस बीच ऐसे भी सस्पेक्टेड केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं कश्मीर से, कुछ ऐसे खर्चा, हालांकि जम्मू में 2 डेथ्स वाक्य हो चुकी है, तो इस पर आपका क्या कहना है? कोरोना के साथ साथ जो आजकल अखबार में, मीडिया में या आम लफ्जों में जिस दूसरे इन्फेक्शन की बात हो रही है वो फंगल इन्फेक्शन की बात हो रही है। मैं अपने भाई बहनों से ये वाजह करना चाहता हूँ कि फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन ये तब से इस दुनिया में है जब से हमारा वजूद इस दुनिया में हुआ है, ये आज की बात नहीं है। अगर आप ये जानना चाहें कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एक बड़े सबसे मशहूर साइंसदान गुजरे हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, उनकी इस रिसर्च पे जब उन्होंने देखा कि एक फंगस जो है उसकी लेबोरेटरी में दूसरे फंगस पे कुछ ऐसे तरीके से हावी हो रहा है कि दूसरा फंगस जो है टेक ओवर कर रहा है, एक वाला फंगस किस्म का डिसअपीयर हो रहा है, कशिर पर मान भी एक किस्म का लाभ इसे पूछा, अगर इस पूछो अगर सैनिस गारस में ब्रेड आए, चोट आए या कह खन चीज आए, अगर सू कुछ खास टेम्परेचरस पे रोज सो अनप्रोटेक्टेड रोज सो कवर्ड रोज नहीं कहीं अत ये लाव खसान, यह फंगल, यह फंगस इन्फेक्शन आ ये फंगस इन्फेक्शन दुनिया किस कुन तोनस मे कुन तरस मे कुन तीज वाबस्त यह तह सान पलवन सानस जिसम सबस्त कोरोना के वजह से यम जन दवा आजकल दिवान चाहे तथा मे स्टीरॉयड्स आसान या बाकी एंटीबायोटिक्स आसान ये अख सॉरी उर्दू में चाहते कोरोना के हवाले से जब हम दवाइयाँ देते हैं वो चाहे एंटीबायोटिक्स हों वो चाहे एंटीवायरल्स दवाइयाँ हों तो इससे जो ये फंगस है इस फंगस को अटैक करने का मौका मिलता है। दवाइयों से, एंटीबायोटिक्स से, एंटीवायरल्स से एक किस्म की जो ये इन्फेक्शन है ये कंट्रोल हो जाती है, मगर दूसरी जो फंगल इन्फेक्शन है ये नमूदार हो जाती है, ये इन्वेड करती है। इसके खिलाफ भी दवाइयाँ हैं, एम्फोटेरिसिन भी है, बाकी चीज़ें हैं और इन इस फंगस के हवाले से बहुत सारे और तकालीफ है जो आज हम कहते हैं म्यूकोरमाइकोसिस, ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो आजकल हम देखते रहे, वेंटिलेटर एसोसिएटेड है, इंटेंसिव केयर एसोसिएटेड है जिसमें शायद स्टेरॉइड्स का ज़्यादा यूज़ है रिलेटेड और मे बी एंटीवायरल्स, मगर अगर हम देखेंगे इसमें और भी आम लफ्जों में ट्यूबरक्लोसिस की एक तकलीफ है, तपेदिक यथवनास उसमें एक स्टेज पे
लंग्स पे कैविटीज़ बन जाती हैं, उनमें एक फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, उसको हम एस्पर उसमें हम एस्परजिलोसिस कहते हैं। ऐसे और तकालीफ है, म्यूकोमाइटिस, ये बहुत सारे फंगल तकालीफ होते रहते हैं, आज की बार नहीं है, होते रहेंगे, और उनके खिलाफ भी दवाई है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। सर, आपने अभी कहा कि आपको लगता है कि थर्ड वेव जो है नहीं आ सकती, आपका ये कहना है, काफ़ी ज़रूरी सवाल है, जबकि मेडिकल एक्सपर्ट्स ने जब सेकंड वेव का आगाज़ हुआ अप्राइज किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी कि सेकंड वेव आ सकती है, तो तब उसके बावजूद भी गैदरिंग्स हुई, लोगों का आना जाना हुआ, एसओपीस जो गाइडलाइंस मेडिकल एक्सपर्ट्स की तरफ से गई थी कही गई थी देवर ऑल यू नो पुट इनटू द डस्टबिन। सेकंड, अभी आपका ये कहना, डू यू थिंक इट्स प्रीमैच्योर टू से कि थर्ड वेव नहीं आ सकती है? मैंने कोरोना के स्टार्ट से इसके इस वक्त स्टेज का जिक्र किया आम लफ्जों में। अगर आप चाइना को देखेंगे जहाँ से कोरोना शुरू हो गया, वट एवर वॉज द मोड ऑफ स्टार्ट ऑफ इट्स और स्प्रेड, वहाँ कोई थर्ड वेव नहीं है। अमेरिका इतनी बड़ी इकोनॉमी होते हुए, इतनी सारी टेक्नोलॉजी होते हुए, इतनी सारी दवाइयाँ होते हुए, सेकेंड वेव में भी काफ़ी हद तक सफ़र किया, अभी कोई थर्ड वेव तो देखी नहीं। ब्राज़ील यूरोप को देख लीजिए, कोई थर्ड वेव नहीं आई। मेरे कहने का मकसद है, थर्ड वेव या सेकेंड वेव, ये कंटिन्यूटी है इंफेक्शन की, अगर हम एहतियाती तदाबीर ना अपनाएंगे तो ये कंटिन्यू करेगा। कल जब ये फिर से इसकी इन्फेक्टिविटी बढ़ जाएगी, इसका स्प्रेड बढ़ जाएगा, तो हम इसको थर्ड वेव के नाम दे देंगे। इफ़ वी ऑब्जर्व द प्रिकॉशंस, इफ़ वी ऑब्जर्व द एसओपीज एंड गाइडलाइंस, वी विल नॉट लेट द सो कॉल्ड थर्ड वेव कम इन। द सो कॉल्ड थर्ड वेव फॉर मी इज इफ यू लोअर द गार्ड एंड वी लेट इट कम अगेन।